देश की राजनीति में नई बयार चलाने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में उन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है तो गलत नहीं होगा। जनता का भला करने आए केजरीवाल को सत्ता इतनी भाग गई कि अब वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी पर जो केजरीवाल हिंदुओं की राजनीति करने का आरोप लगाते नहीं थकते थे, उन्हीं केजरीवाल की सरकार द्वारा दिल्ली में मौलानाओं को हर साल 9 करोड़ रुपए का वेतन दिया गया। ये दावा कोई राजनीतिक नहीं बल्कि एक आरटीआई से बाहर आया है। इसके उलट अगर बात मंदिर के पुजारियों की करें तो केजरीवाल सरकार की जेब से पुजारियों के लिए एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की गई। ये दिखाता है कि केजरीवाल कांग्रेस को तुष्टीकरण की प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ने की शपथ ले चुके हैं। पुजारियों के वेतन का मुद्दा एमसीडी चुनाव के वक्त भी खूब गरमाया था, लेकिन अब पुजारी अरविंद केजरीवाल के घर के सामने ही धरना देकर बैठ गए। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने 7 फरवरी को हजारों पुजारियों ने वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब मौलवियों को वेतन दिया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं दिया जा सकता। इसमें दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के लोग भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने हनुमान चालीसा के साथ पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पुजारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार जब तक उन्हें वेतन नहीं देगी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तो तमाम पंडित पुजारियों की हुंकार है, हम 2024 में इन्हें दिखा देंगे कि सनातन धर्म की ताकत क्या है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी सनातनी हैं, ये सनातन धर्म की ललकार है, होश में आ जाओ और समान रूप से पुजारियों का वेतन भी तय करो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुजारियों को उनका हक दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया हो, इससे पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। 2021 में भी दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में पुजारियों को वेतन देने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने मांग की थी कि दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों को उचित वेतनमान दिया जाए। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिथूड़ी ने कहा था कि जब मस्जिद की देखभाल करने वाले काजियों और इमामों को वेतन दिया जा सकता है तो मंदिर के पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। मंदिर की सेवा करने वाले पुजारियों और साधु संतों को किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाना दिल्ली सरकार के भेदभाव को दर्शाता है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, उसके लिए धर्म से बड़ा संविधान होता है। अगर किसी एक धर्म के लोगों को बाकी की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जा रहा है तो ये संवैधानिक रूप से एक आपत्तिजनक बात है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये सारी बातें भूल चुकी है। हाल ही में पार्थ कुमार नाम के एक शख्स द्वारा डाली गई आरटीआई के जवाब में ये खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार हर साल मौलानाओं के वेतन के लिए करीब 9,34,00,000 रुपए खर्च करती है, जो कि एक अप्रत्याशित बात है। दरअसल आरटीआई का जवाब बताता है कि साल 2015-16 से ही दिल्ली सरकार मौलानाओं को वेतन प्रदान कर रही है। खास बात यह है कि वेतन पहले भी करीब 2 से 4 करोड़ के बीच में सिमट जाता था, लेकिन 2019-20 और 2020-21 में ये आंकड़ा 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल सरकार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने इस आरटीआई के जवाब की कॉपी को ट्वीट करते हुए लिखा, मित्रों क्या आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के पास मौलवियों को वेतन देने के लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए हर साल के लिए हैं, लेकिन मंदिर में पुजारी के लिए एक पैसा भी नहीं। आरटीआई की जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष मौलवियों को 9.5 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में देते हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सीमाएं लांग चुकी है। हम सभी ने यह देखा है कि कैसे कोरोना के दौरान कई मंदिरों के पुजारियों ने भी सरकारी वेतन की मांग की थी।
लेकिन केजरीवाल सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके उलट दिल्ली सरकार मौलानाओं के वेतन में हर साल बढ़ोतरी करती जा रही है, जो कि केजरीवाल की कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर सवाल ही नहीं उठाता, बल्कि उनके द्वारा एक नई राजनीति शुरू करने का आपत्तिजनक संकेत भी देता है। अब केजरीवाल के तुष्टिकरण का एक और ठोस सबूत देखिए। एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को करीब 101 करोड़ रुपए दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 साल के शासन में जनता के 101 करोड़ रुपए की जो राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है, उसमें से 62 करोड़ रुपए पिछले एक साल में दिए गए। वहीं साल 2019-20 में 22 करोड़ 72 लाख रुपए दिए गए। इससे पहले 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख रुपए दिए गए। आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक साल 2015-16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद ये रकम हर साल बढ़ाई गई। साल 2016-17 में 1.37 करोड़ रुपए और 2017-18 में 5 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि 2020-21 में दिल्ली सरकार की ओर से कोई रकम नहीं दी गई। ये वही साल था जब देश में कोरोना का कहर था। आरटीआई कार्यकर्ता जब बोस द्वारा हासिल की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर साल औसतन 14.5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है। दिल्ली सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को सौंपा गया ये पैसा आम जनता का था, लेकिन अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए इसे एक समुदाय विशेष को सौंप दिया गया। दोनों घटनाएं केजरीवाल के तुष्टिकरण को समझाने के लिए काफी हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार। 40-40 हजार रुपया हर महीने वेतन दे सकती है तो दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारियों को भी हर महीने 40 हजार रुपया वेतन दिया जाए, ये मांग हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाई है और भाजपा के सभी विधायक इस मांग को तब तक उठाते रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार पुजारियों को जिस तरह से वो इमामों को हर महीने 40 हजार रुपये वेतन के रूप में दे रहे हैं, जब तक पुजारियों के लिए भी ये व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक विधानसभा के अंदर भी विधानसभा के बाहर भी पुजारियों के समर्थन में इस मांग को पूरी मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। इस देश में सभी लोग एक समान हैं, ये केजरीवाल ने कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर। खोलना केजरीवाल का ट्विटर हैंडल। सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति एक समान हैं। जब एक समान हैं और मौलवियों को, मुजाहिदों को, अजान लगाने वाले को सैलरी 18-16 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं, गुरुद्वारे के ग्रंथी को क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं दी जाती? तो इसीलिए यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अल्पसंख्यक हो जा, कांग्रेस कहाँ चली गई, कांग्रेस कहाँ चली गई? तो केजरी दिल्ली के लगभग 16-17 हजार मौलवियों को उनके मस्जिदों में सैलरी दी जाती है, पिछले 3 साल से दी जा रही है। लगभग 8-9 करोड़ रुपया बांटा जाता है और मंदिर के पुजारी को फिर क्यों नहीं है? और आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हो, आपने लिखा है जी, आप उनका ट्विटर हैंडल खोलिए केजरीवाल का और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये देश के 125 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा हुआ आपने कि सभी जाति, सभी धर्म एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है। जब एक समान है तो मंदिर को पुजारी को सैलरी क्यों नहीं?